गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग हैं सोनमार्ग से 7 किलोमीटर पीछे और यहाँ का जो ठंडे है वो भाई साहब बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल का ठंड है, क्योंकि यहाँ पे जो है रात को हम लोग यहाँ पे सोए थे और पता चल रहा है कि अभी यहाँ बर्फ़ गिर के पूरा ढक चुका है ये चारों तरफ से। सो आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ़ गिरा है, वो जो ऊपर का अल्बेस्टर है उसमें भी बर्फ़ गिर चुका है। वो तो हम लोगों को ये दुकान मिला सो अच्छा रहा, नहीं तो पूरा टेंट वेंट हम लोग का जो है आइस से पूरा ठंडा से एकदम कपते हम लोग। वहाँ पे टेंट लगाए हैं और ऊपर भी देखिए पूरा आइस हो गया है, वो सब पूरा घर में आइस हो गया ये। और क्या ही आइस गिरा है आज, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है आज यहाँ पे, जितना पेड़ है सारा वाइट दिख रहा है। और माउंटेन तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, पूरा माउंटेन ही एकदम वाइट है। सो वहाँ पे कार है, कार भी पूरा वाइट हो गया, हालांकि वाइट कार ही है फिर भी वो और भी ज़्यादा वाइट हो गया है, पूरा ढक गया है देख सकते हैं आप। सो गाइस ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो अभी हम डायरेक्ट अपने टेंट के अंदर घुसते हैं, क्योंकि सब बिना लेट किए हम अपने टेंट के अंदर जाते हैं। स्लीपिंग बैग हमारा लगा हुआ है अभी भी और हम टेंट के अंदर जाके सोते हैं भाई, इतना ठंडा में तो अभी कहीं आना जाना नहीं हो सकता है हम लोग का। सो बाद में मिलते हैं गाइस, अभी नहीं फिलहाल क्योंकि ठंड से कप कपा रहा है मुकेश भाई, क्या मजा आ रहा है ठंडी के बताओ। ठंडा से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, माइंड सुन्न पड़ गया ठंड से। सो अभी जो है जस्ट हम लोग अपना टेंट में बैठे, अभी हम लोगों ने जो है अपना टेंट हटा लिया है यहाँ से, अभी दुकान खुलने वाला है, थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगा तो टेंट हम लोगों ने यहाँ से हटा लिया। और वेदर भी अभी क्लियर हो ही रहा है, सूरज सन लग रहा है कि निकल रहा है उधर से और मौसम भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। अभी हम एक जंगल पे आ गए हैं और आगे जो जिला पे जो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है इसके कारण से अभी हम वहाँ पे पहुँच पाए, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अगर रास्ता साफ हुआ तो हम लोग निकलेंगे जल्दी ही। कल हम लोग ने यहीं पे अपना खाना वगैरह बनाया था इस प्लेस पे और अभी तो पूरा माउंटेन के ऊपर बर्फ़ है, नीचे बर्फ़ नहीं है हालाँकि अभी। कारगिल होके आता है ये सिंधु नदी है और ये पहाड़ी घोड़ा आई है जो कि आ रहा है, ये मार भी सकता है हमको। फिलहाल मैं यहाँ से भागता हूँ क्योंकि इन लोग से तेज में नहीं दौड़ सकता। सूर्य की लाइट पड़ी है थोड़ी सी, सनलाइट थोड़ी सी इसमें पड़ी है और साइड में बर्फ, तो दोनों का जो कम्युनिकेशन मिला है सब एकदम खतरनाक वाला कलर हो गया है बादल का। सो टाइम अभी 6:30 हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं नदी का उस पार, और ये नदी है, नदी के सामने आते ही भाई साहब ठंडा और ज़्यादा लग रहा है हमें, और हमने जो है आज ये ठंडा वाला ग्लव्स भी ले लिया है ऐसा वाला। जो है हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया था और आज हमें एक ढाबा मिला है, यहाँ पे एक ढाबा है ये। सो यहाँ पे दो दोस्त मिले हमें, दोस्त क्या भाई जैसे हैं, तो इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ये किया, रिस्पेक्ट भी दिए और चाय कॉफ़ी वगैरह हमारे लिए हीटर भी लगा दिए यहाँ पे। और ये भाई साहब हैं, और भैया आपका नाम निजागत, आपका भैया शौक। सो इन लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें और आज हमें यहीं पे रुकने के लिए बोल रहा है यहाँ पे इस प्लेस पे, तो हम यहीं पे आज अपना टेंट लगाएंगे। तो आज का जो हमारा टेंट है वो लग के रेडी हो चुका है और आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना टेंट लगाया है मस्त एकदम रूम के अंदर, ये भाई साहब का है। आप अंदर जाएं, हाँ एक बार अंदर जाके ट्राई कीजिए, देखिए कैसा लग रहा है, हम लोग तो एसी में रहते हैं, ट्राई कीजिए आप जाके एक बार अंदर।
अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग इसी में सोते हैं भाई डेली। आप तो अभी आपका दुकान पे हैं तो यहाँ पे बर्फ वर्फ का उतना कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग का, लेकिन सर्दी तो मैंने जो जगह स्लीपिंग बैग में हमारा उतना कट जाएगा ठंडा। तो आज का इस वीडियो को मैं इसी चाय के साथ इन्हीं भाई लोग के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।